तो आज हम देखने वाले हैं एक तमिल मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर जो कि है पट्टू थल्ला, जहाँ पे सिलम वर्सन टीआर सर है एज अ लीड कास्ट एंड गौतम कार्तिक सर है वहाँ पे ऑल्सो एज अ कास्ट एंड दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय ओबिली इन कृष्णा सर. चलो गैंग, ओके बोंगल गैंग. तो यहाँ पे ना मैंने देखा था जब सर्च कर रही थी, ये वाली मूवी कनाडा मूवी का रीमेक है जो की है मुफ्ती, जो वाली मूवी हम लोगों ने पहले से नहीं देखी है, तो ये तो देखने के लिए ये सभी को पता है, इंक्लूडिंग अस. चलो लेट्स वॉच इट. ओके सो वन अ टू अ थ्री एंड स्टार्ट. இங்க எல்லாரும் காணாம போன சீமை பத்தி தான் கேள்வியா கேட்டிட்டு இருக்காங்க. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கண்ணிர முதல் காணவில்லை. சீம் நீங்களா? நானா சீம் நேம் இல்ல. நான் பேல பாக்கறீல, நான் ஏஜியா பேல பாக்கறேன். அந்த ஏஜிஆர் கும்பலோட மனக்கொள்ளிய தடுக்க ஒத்தால போராடி பார்த்தேன், பத்து காசு பிரயோஜனப்படல. வோ மாஸ் சீன் வாலா என்ட்ரி யார் ஓ ஓ போ. ஏய் யவம் வாளன நான் தான் டாட்டி பண்ணேன். என்ன எப்படி கொல்வியோ அப்படி தாம்ல உனக்கு ஜாவ. என்ன அடிப்பட்ட புலி மாதிரி அலைய வைக்கிறனா? என்ன கொன்று இல்ல நான் உன கொன்றுவேன். மானம் ஓனாய் கொள்ளும், ஓனாய சிறுத்தை கொள்ளும், சிறுத்தைய புலி கொள்ளும், புலிய சிங்கம் கொள்ளும். மிருகம் பிறந்து வரலடா. வா க்யா பாதி போலி. சோ ஏஆர் ரஹ்மான் சார் இஸ் கிவன் மியூசிக் யார் வாட் கேன் யூ எக்ஸ்பெக்ட் ரதர் தன் தட். It's looking dangerous, yeah? துரோகமும் துரோகியும் ஏஜிஆருக்கு புதுசானு. मुझे पहली बात है सीएम गायब हो गए. यहाँ पे एक ग्रुप का नाम बोला गया है एजीआर, तो एजीआर जो है वो इलीगल काम में फंसे हुए हैं, उनका लीडर है सिलम बर्सन टीआर सर. तो अभी इसके ऊपर बेस करके वो जो यार जो सैंड माइनिंग वाला सैंड माइनिंग आई डोंट नो दिस इज द ओनली थिंग दैट इज हैपनिंग हियर. बहुत कुछ चल रहा है, सीएम को उठा के कोई ऐरा गहरा नत्तू कह रहा था नहीं लेके जाएगा ना, और किसके लिए लेके जा रहे हैं दैट्स द मेन थिंग व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड इट. ये अनवेल होने वाला है इजन इट. और सबसे खास बात लगता है ना, अगर आप एक्शन सीन्स को भी देखते हैं ना, यहाँ पे वो ड्रोन वाला जो शॉट था दैट लुकिंग सुपर्ब. और उसके साथ जो बीजीएम में यार रहमान सर ने म्यूजिक प्रोड्यूस किया है ना, क्या चुम्मा लग रहा है यार. इट्स गिविंग दैट वाज किलिंग यार. हाँ वो म्यूजिक यार क्या लास्ट वाला पार्ट में गूज बम्प दे रहा था लिटरली. जब आप सुनोगे ना उस वो ऊपर से तन्ना 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 तो मैंने मिस्टीरियस है क्यों बोला, क्योंकि जब वो एंट्री
हो रहा था उनका, तब वहाँ पर 7-8 गाड़ी एक साथ आ रही थी एंड बीच में से अचानक एक गाड़ी में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, विच वॉज रियली रियली सरप्राइजिंग. आई मीन वो निकले और आई डोंट नो कि वो करवा रहे थे वो वाला बॉम्ब ब्लास्ट या फिर कुछ तो मतलब सीएम को उठाने में तो उनका ही हाथ था, क्योंकि वहां पर सीएम बोल रहा था अगर तूने मुझे नहीं मारा तो मैं तुझे मार दूंगी दूंगा. यू नो वी गाइस आर बंगाली दूंगी दूंगा में मेरा थोड़ा लुढ़क जाता है. ओके तो उसे देख के समझ आ रहा था कि उनमें कुछ पर्सनल दुश्मनी है और या फिर प्रोफेशनल दुश्मनी. आई मीन यहाँ पे लाइन बहुत कम थे मगर यार क्या तगड़ा था. वो चेयर पे बैठे रहते हैं एंड ही सेज के ना वो डियर और वुल्फ वाला फिर टाइगर से वो लायन वाला जो पार्ट है लास्ट में जाकर बोलते हैं कि ना लायन को कौन मार सकता है. तो like representing himself as a lion or as a leader तो बोल रहे कि मेरे ऊपर और कोई नहीं है, I am the one that's the perfect line. ओके तो क्योंकि मूवी बहुत जल्दी आने वाली है तो वी ऑल आर वेटिंग कि कब जाके हम मूवी देखेंगे एक्चुअल में एंड आई एम प्री एक्साइटेड फॉर इट के क्या होने वाला है बिकॉज के एक्शन सीन्स मुझे बहुत ज़्यादा तगड़े लगे एंड यू नो आई एम अ बिग फैन ऑफ एक्शन सीक्वेंस एंड ऑल. तो मेरा दिल धड़कता है भाई, मैं तो यहाँ पर इस चैनल पे आके मतलब इसके बाद मैंने स्टार्ट किया है वायलेंस वाला सीन देखना. अगर यार वायलेंस वाला सीन नहीं देखा तो ब्लड रश कैसे होगा तुम्हें क्या ही पता चलेगा यार. ओ और एक सीन है जब वो यार पूरा डार्क में खड़ा रहते हैं मुंह में कटारी लिया हुआ वाला सीन यार, जस्ट टेल मी अबाउट इट यार, वो क्या तगड़ा लग रहा था विजुअली देखने में. ये हम मिस करने जा रहे थे. थैंक्स माय सिस्टर, दैट वाज लुकिंग सुपर्ब यार. तो बस इसके लिए वेट करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टिल द एंड एंड प्लीज बताना आप लोगों को ये वाला रिएक्शन कैसा लगा एंड प्लीज गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक आवर वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड अगर आपने हमारे चैनल में सब्सक्राइब करना मत भूलना. ओके बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. Bye.